आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मुर आप मोर ते मरत कोर, पा तुमल जुद बड माच छोर। जहन बी बख्श तह अगर सूर, बहु लरे मरे गिर परत तूर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, संध्या दे दीवाना विच हाजरियां भर के आप जी गुरबाणी दे पाठ कीर्तन सरवण कर रहे सी, बहुत वड्डे भागां वाले हो। आओ हुण सतगुरु साहब जी की पावन कथा नाल जुड़ जाइए। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे महान सूरबीर योधे, बाबा बिधि चंद छीना गुरु का सीना, मैदाने जंग च वैरियां दे आहू लांदे होए चंदू दे पुत्र करमचंद दे नाल जा टकरे हन। करमचंद नूं बाबा जी जंग दे मैदान विच उहदा घोड़ा मार के ते उहनूं फड़ के सतगुरां दे चरणां च लै आए ते लिया के गुरु साहब दे चरणां सिट दित्ता। ते महाराज साहिब जी कहिंदे छड़ दिओ इस नूं, ते उहनूं कहिंदा जा बंदा बण जा, नहीं तो जिवें तेरे प्यो की हालत हुई सी उही होवेगी। बाबा जी ने दो चार छित्र मार के करमचंद नूं छड़ दिता। तो यह फिर अपनी फौज के जरनैल अब्दुल खां कोल पहुँच गया। तो उस तो अगली कथा हुण नबी बख्श नाम का एक योधा अपने नाल फौजां लैके फौज की कमान संभाल रहा, जंग लड़ रहा। उधरों इधरों भाई शक्तू भाई परसराम जी गुरु की फौज के सूरमे जूझ रहे ने। आओ एक कथा श्रवण करिए, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। मुर आप मोर ते मरत कोर, कहंदे सूरमे मैदाने जंग च वैरी नाल लड़दे होए मुड़ मुड़ के वैरी नूं मोड़दे हन पिछे, ते आप मरदे हन, घोड़े भी मरदे हन ते जवान भी मरदे हन। पा तुमल जुद बड़ माच शोर, बड़ा शोर मचया होया कमसान दा, तुमल जुद मचया होया। जह नबी बख्श तह अगर सूर, जिथे नबी बख्श फौज दी कमान संभाल रहा उहदे सामने गुरु की फौज दे योधे जा गजे हन। बहु लरे मरे गिर परत धूर, बहु सारे सूर में लड़के शहीदियां पा गए हन। तब परसराम शक्तु महान, भाई परसराम जी ते भाई शक्तु जी ਭੱਟ ਦੋ ਚਾਂਪ ਕੋ ਤਾਨ ਤਾਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਕਤੂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਰ ਸਰਪ ਸੋ ਸਮਸਰ ਮਾਰ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਇਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਜਾਤ ਸਮੁੱਖ ਤਾਂ ਕੇ ਜੁਝਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੈਰੀ ਦਾ। ਇਮ ਮਚੀ ਲੋਹ ਕੀ ਮਾਰ ਭੂਰ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਚੱਲਿਓ ਸ਼੍ਰੋਣ ਗਈ ਲੋਥਪੂਰ, ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਬ ਤੁਰਕ ਤਰਾਸ ਕੋ ਧਾਰ ਭਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰਸੂ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਕਤੂ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕਤੂ ਅਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿ ਜਮੇ ਪਾਏ ਬੜ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਗ, ਨਵੀਂ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰਬੀਰ ਏਕ ਦਸ ਤੁਰਕ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਮਰ ਮਾਰ ਜੰਗ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਸੂਰਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਨਵੀ ਬਖਸ਼ ਪਿਖ ਭਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਇਓ ਕਹਾਂ ਨਹਿ ਜਾਏ ਜਾਨ, ਨਵੀ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਗਈ ਸੈਨ ਸਿੱਖ ਅਲਪ ਪਾਸ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ठहरै ना अगर बड़ पाए त्रास। कहते कोई सिखां दे सामने ठहरदा नहीं है ते भै भीत हो के भज रहे ने। पर गयो लोह पू ठोकराल। नबी बख्शां कहिंदा वी मेरी फौज नूं लगदा लोहा पुठा पै गया। ये साड़ी किस्मत विच आज हार लिखी हुई है, असी जित नहीं सकांगे। जै कहां सूर मर तुरंग जाल। थां थां ते साड़े जोधे मरे पए ने, थां थां ते साड़ियां लाशां खिल रहीयां पईयां ने, घोड़े मरे पए ने। निज है तवाए रो कंत भी। नबी बख्श बड़ा चोणवा योधा सी, अणखी योधा सी, अपनी फौज नूं तौड़ी जांदी नूं रोकण वास्ते घोड़ा दड़ा के अगे पहुंचिया। सब हटो थिरो किम तजत तीर। कहण लगा रुको भजो ना मैदान चो, क्यों धीरज छड़ के भज चले हो। सूरमे बनो ते आपा दुश्मन नाल दो दो हाथ करके वैरी नूं मार लईए। तुम बड़ गरूर सो कहत नीत। ते अपने सिपाहियां नूं नबी बख्श कहिंदा है तुसी ते बड़ियां फड़ा मारदे हुंदे सी, बड़े हंकार नाल कहिंदे हुंदे सी रोज। रण बिखै सदा हम लेत जीत। तुसी ये कहिंदे सी भी असी ते हर मैदान फतेह पाने आ, हर लड़ाई असी जितदे आ, ते हर जंग दे अपने आप नूं जेतू समझदे सी तुसी। अब अलप सिख नह इलम जान। ते हुण थोड़े जे सिखां तों भज जांदे हो, जिहड़े सिखां नूं शस्त्र विद्या दा पता ही नहीं, इलम ही नहीं है भी शस्त्र विद्या की हुंदी है, ओह शस्त्र विद्या चलानी नहीं जानदे। नह शस्त्र बंधने मह सो जान। ना उहनां नूं शस्त्र बनने आउंदे ने, कमर कसा भी तलवार भी गात्रे किवें पाई दी है ये पता नहीं। ते पिंडां विच खेती करन वाले, तखाणा काम करन वाले, लोहारा काम करन वाले, ते होर कई जातां दे सिख इकट्ठे कीते ने गुरू ने। तिन पास ते सो तुम त्रास धार। ओ गुरू दे सिखां कोलों तुसी डर के भज चले हो, जिहड़े के जंग दे जा मार ही नहीं हन, जिन्हां नूं आपां जोधे ही नहीं समझदे, ओह सानूं भजाई जांदे ने। किन ते भजे जिन कह गवार। हाँ किन्हां तों भज के चले हो, जिन्हां नूं गवार कहिंदे हुंदे सी, कि गुरू ने गवार इकट्ठे कीते होए ने, ओह कोई जंगी जरनैल नहीं हन, जंगी सिपाही नहीं हन, इदां तुसी गल्लां करदे सी, अज उहनां कोलों ही भज चले हो। पुन जीत सभा मह कहो काहे। जिउंदे जे तुसी बादशाह दी कचहरी च जाओगे ते पंचायत विच परे विच की आखोगे। हम बचे भाज तह लड़ै नाहे। यही कहोगे ना वी असी ते उत्थे भज के बचे सी, असी ते उत्थे लड़ाई दे विचों डर के दौड़ आए सी। इम कहर साए निज सैन मोर। इस तरह गुस्से विच अपनी फौज नूं नबी बख्श ने पिछे मुड़न लई मजबूर कर दिता। विच थिरियो आप कर जोर जोर शोर। बड़े जोर शोर नाल नारे मारदा होया, ललकारे मारदा नबी बख्श विच खड़ गया। कहण लगा खबरदार जे कोई पिछे भज्जिया ते, जे भज्जोगे मैं गोली मारांगा, अगे चलो गुरू नाल लड़ो ते बहादुरी दा अपनी दा सबूत दिओ भी असी पठान हाँ, असी मुगल हाँ, असी योधे जंगी गाजी हाँ। पिख नबी बख्श को परसराम। जदों इधरों इसने नबी बख्श ने अपनी फौज नूं तैयार कर लिया लड़न वास्ते, भजी जाण दी फौज नूं रोक लिया, भाई परसराम जी ने वेख्या। बड़ तुरंग तवाए ऐन चंत लगाम। बाबा जी अपने घोड़े नूं दौड़ा के, घोड़े दियां वागां खिच के घोड़े नूं तेज कीता। तन बिखै बिभूखन जटत तिहीर। कहिंदे नबी बख्श ने बड़े सोहणे कपड़े पाए हुए, क्योंकि वड्डा अफसर सीगा, गहने पाए हुए सोने दे, हीरे मोती जड़े हुए। बहु चमकत चामी करक शरीर। ओहदा शरीर सोने तरह चमकदा सी। सिर बध्यो सो चीरा छोरदार। नबी बख्श ने सिर दे उत्ते एक पग जिहड़ी बन्नी सी ओह छोरदार चीरे वाली, पाप जिहदी किनारी दे उत्ते ना तिले दी कढ़ाई कढ़ी हुंदी है, ओहनू कहिंदे छोरदार चीरा, चीरा पग नू कहिंदे है। ते जिहदे उत्ते तिले दी कढ़ाई कढ़ी होवे किनारियां दे उत्ते, ओह चीरा उहनै सिर ते बन्निया होया सी। बड़ मोल केसो पट शुभत चार। नबी बख्श दे कीमती कपड़े दूरों दसदे सन वी कोई वड्डा अफसर है फौज दा। कट संग बंद खड़ गए निखंग। और उन्हें लक दे नाल ढाल तलवार बनी हुई, कमर कसा कीता, पत्था तीरां दा मोढे नूं पाया होया। कर मैं कमान विच रतन संग। हाथ विच तीर कमान लै के फौज दे मैदान दे विच विचर रहा सी। बहु चपल चला की चार अंग। बड़ा सोहना
बड़ा सुंदर चंचल घोड़ा सी उस नबी बख्श दे थले जिहड़ा पैर नहीं सी लांदा जमीन दे उत्ते दौड़िया फिरदा सी बड़ मोल बली सुंदर तुरंग वह घोड़े की कीमत भी बड़ी सी महंगी चंगी नस्ल का घोड़ा सी बहुत किसी दूसरे मुल्क तो मंगाया होया सी जेह जीन जराओ बहु सहाय कहंदे ओदी काठी भी बड़ी सोहनी सी पिछ जड़ाऊ जड़े हुए सन रण बिखे चांप सो समुख आए आज नबी बख्श अपने हाथ च तीर कमान लेके अपनी भजी जांदी फौज नू बंगार के मोड़ ले आया पिख परसराम चाहत प्रहार भाई परसराम जी ने वेख लिया भी ये फौज दा जरनैल है एदे कपड़े एदा पहरावा एदे शस्त्र वस्त्र एदा घोड़ा एदे घोड़े दी काठी दा शिंगार दसदा भी ये वड्डा फौज दा जरनल करनल है कोई तब तजे तीर तीखे अगार भाई परसराम ने सीधा ओनू ही निशाना बना के तीर छड़ने शुरू कर दिते शक्तु बुलाए अपने समीप भाई परसराम जी ने भाई शक्तु नू अपने कोल साद लिया कह इस है हतहो है बड़ महीप कहन लगा भाई शक्तु जी ये कोई वड्डा जरनैल है दुष्टा दी तुरकां दी फौज दा कोई वड्डा राजा है कोई नवाब है इनू मारीए ते मोर्चा फतेह करिए पिख आनंद पाए दोन हो सो वीर जदों नबी बख्श सामने निशाने ते आ गया भाई शक्तु ते भाई परसराम बड़े खुश होए इत उत तवाए है तजत तीर भाई शक्तु ते भाई परसराम अपने घोड़िया नू इधर उधर दड़ा दड़ा के दुश्मन ते तीरां दी बरखा करन लगे गन सपट संग ललकार लीन और नाल अपनी फौज दे सिखां नू ललकार लिया भी तगड़े हो जो गुरु के प्यारे हो आ वैरी सामने है भजन नहीं देना इनू आपा हुणे ही फतेह कर लेना है हे लासो काल बड़ शोर कीन बड़ा शोर पा के जकारे गजा के हला बोल दिता गुलकान केर बरखा बिसाल कहंदे गोलियां दी बरखा होण लगी दोहों दिशियन ते बहु भी कराल बहुत कराल भयानक गोलियां चलन लगियां दोहां पासियां तो तब नबी बख्श बांको सो वीर कहंदे नबी बख्श जिहड़ा बांका वीर योधा सीगा बहु अतर संग जिस के सो चीर कहंदे बड़े सोहने कपड़े पाए हुए दे अतर छिड़किया होया कपड़ियां दे उते कर गह कमान लै बाण रोप कहंदे नबी बख्श हाथ विच तीर कमान लै के कन्ना दे खिच के तीर मारदा सी मारे सबेग चित चौंप कोप बड़े चाह नाल उत्साह नाल गुस्से नाल वीर योधा तीर चलांदा सी नबी बख्श ललकार सबन ते अगर ताए और ललकार के अगे आ गया दल को हटाए निज संग लियाए जेड़ी फौज तुरकां दी भजी जांदी सी ओनू मोड़ लियाया शस्त्र संभार तो मरत फंग और बस्तर शस्त्र संभाल के बरछे नाल वार करदा गोलियां नाल तीरां नाल दी फौज लड़ाई करदी है चली अंत खड़ग कटी अंत अंग तेगां फेर चलन लग पईआं ते जोधियां दे अंग मूलियां गाजरां दा कटीण लगे दरड़ंत सूर टरड़ंत ढाल कहंदे सूर में घोड़ियां दे थले दरड़े जा रहे ने ते ढालां आपस च ठणकदियां ने चरड़ंत चांप अरड़ंत जाल कमान जदों कन्ना ताईं खिच्ची दे ना चरड़ चरड़ करदे ने खरड़ंत खोल सरड़ंत सेल कहंदे बरछिया जिहड़े ने सेले चलदे ने ते म्यान जिहड़े ने तलवारां उहनां विच खड़कदियां ने बाहर निकलदियां होईआं तड़कंत तीर परड़ै पगेल कहंदे तीर ताड़ ताड़ करदे ने ते वैरी दल दे सिपाही तीरां नाल लोथ पोथ हो के डिगदे ने ते भजदे ने रड़कंत घाव बरड़ंत वीर कहंदे जख्म जिहड़े ने रड़कदे ने जिथे सट्टां लगियां ने ओह रड़कदियां ने ते सूरमियां दे खून पक पक करके बाहर निकलदा है थिरकंत थकत थरकंत भीर और वीर बरड़ांदे हन ओह ते थक के सूरमे टिक जांदे हन ते ओह कहंदे जिहड़े वैरी दल दे कायर सिपाही हन ओह भजदे हन कहरंत कूक हैरंत जात कहंदे जिहड़ियां चीलां ने ओह कूकदियां ने
और गिदड़ भी कूकदे ने एदा रौला पांदे ने अहिरंत कोए कटियंत गात कहंदे किसे दा शरीर कटिया जा रहा है ते कोई हाय हाय कर रहा है तब नबी बख्श के बाण संग नबी बख्श दे तीर नाल सिख गिरे केतक होए अंग भंग कई सूर में अंग भंग होके डिगे हन वेख परसराम और कोपठान कहंदे परसराम ए वेख के गुस्से ज आ गया एक हन्यो बाण तन अधिक तान भाई परशुराम ने तीर खिच के छड़िया लग गात रंग के तंग थान जा के ओ नबी बख्श दे घोड़े दी काठी कोल वज्जा बिद भयो पार गिर तब महान कहंदे तीर इन्ना कारी सीगा इन्ना भयानक सीगा भी घोड़े दी काठी च वज के पार लंघ गया ते नबी बख्श घोड़े तो थले डिग पिया तब नबी बख्श संभाल आप डिगदे हुए नबी बख्श ने अपने आप नू संभालिया दे पाए रोप कर धार चांप और अपने पैर अड़ा के कमान चलान लगा सर परशुराम के मारे अंग उन्हें भाई परशुराम वल तीर छड़िया खर परे पार गिर तज तो रंग और कहंदे तीर आ के बजया बड़े जोर दे नाल ते कहंदे घोड़े नू छड़ के भाई परशुराम जी ते भाई मूर्छा तनक गेर भाई परशुराम जी नू तीर वजा ते मूर्छित हो गए बेहोश हो गए बहु सिख आए रचियो सो घेर सिखा ने वेख्या साडा जरनैल डिगा सट बड़ी वजी है उन्होंने आके आले दुआले घेरा घत लिया भाई परशुराम जी दी शरीर नू चुकन वास्ते उन्हां नू सट ना ज्यादा उन्हां दी मौत ना होवे कोई होर दूजा वार ना लगे इस करके उन्होंने शरीर के आले दुआले सिखा ने घेरा घत लिया गह खड़ गया है शक्तु दिड़ बिसाल भाई शक्तु जी त्यार बर त्यार सन वह खड़ग लैके ढाल लैके वैरी दे सामने खड़ गए जिस की सहाय मह गह सो ढाल भाई शक्तु जी ने ढाल तलवार लैके अपनी फौज नू अगे कीता भी भाई परशुराम जी नू आपां चुके लियाईए रुप रहे ओ सूर आगे खरोए शक्तु वैरी दे सामने छाती डा के अड़िया रहा उत परे तुरक गन कीन ढोए उधरों तुरक साध संगत जी आ टुके हन हे लासो काल जुट गए सुपट और हल्ला करके सूर में जुट गए हन तन काट काट के तक दबट और शरीर दे टोटे टोटे हो रहे हन ते एक दूजी नू वड टोक रहे हन दबके मारदे हन तब परे ओ जोर रण को महान बड़ा घमसान दा जंग हो रहा है जोर पै रहा है दोहां पासियां नह तो सिख तज दीन थान पर सूर में अपनी थान ही छड़ दे जो नेर आए तिस करत का जड़ा नेड़े आंदा ओनु मार लेंदे ने ते तपक तीर तो मरचला दोवां पासियों तो बंदूकां दे तीर चल रहे ने भट परशुराम के निकट ठाण गुरु की फौज दे सिख परशुराम दे कोल खड़े ने बहु भई खड़ग सो काट बाड उधरों तलवारां नाल कट बड़ हो रही है कटका मझार कर मार मार घड़ी लगातार मारो मार हुंदी रही गिर परे सूर सैकड़ हजार सैकड़े हजारां जोधे घड़ी विच ही कट के मर गए गण तुरक ओरड़े नेर पाए बहुत सारे तुरक नेड़े आके कर शोर घोर चा हसप जाए शोर मचांदे हुए मैदाने जंग विच भयानक रौला पांदे पजाना चाहुंदे दुश्मन नू तब खड़ग हत है शक्तु कराल अगो भाई शक्तु तेगा मारदा है भयानक तेगा दे वार करदा है को प्रहार कर ओट ढाल अपनी ढाल उत्ते दुश्मन दे वार रोकदा है ते अपनी तेग दा वार मारदा है रण थंब मन होगा डोखर होए भाई शक्तु यों पैर अड़ा के खड़ गया जिवें मानो मैदाने जंग विच रण थंब गड्या हुंदा है पुरातन जमाने विच जंग दे मैदान च इक थंबा गड़ दिंदे सन उहनूं रण थंब कहिंदे सन ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ 48 ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਬਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 48 ਕੋਹ 70-80 ਮੀਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੰਬਾ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਰ ਜੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹਿਰ ਜੱਚ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਹੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ
इस तरह साध संगत जी एक रणथंभा गड्ढिया गया उत्तर दिशा में एक पूर्व में एक पछम एक दक्षण 48 कोह दे विच ओह फिर उत्थों बाहर नहीं कोई जा सकता। इहदा मतलब सी लड़ाई इन्ने एरिया च होवेगी जो वट वट कट होनी इहदे विच ही कीती जावे। बड़ा वड्डा एरिया सी जंग दा तो उत्थे जंग होया सी महाभारत 48 कोह दे विच। सो इत्थे भी जिवें पुरातन समय गुरु के सिख निशान गढ़ दिंदे सन ओह अपना हैदरी झंडा गढ़ दिंदे सन उहदा मतलब हुंदा सी वी इस एरिए च जंग होवेगा। भाई शक्तू जी यों खड़े ने मानो रणथंभ गड्या होवे पिछे हटदे ही नहीं। हाँ जी बहु सिख सहायक संग जोए गुरु के सिखां दी फौज नाल लैके गण तुरक मार अंबार लाए। भाई शक्तू ने मार मार तुरकां दे ढेर लाते अंबार लाते जिम दीप पतंगन परत आए जिम साध संगत जी दीवे दे पतंगे आपे आके पैंदे ने तब परस राम सुध पाए अंग कहंदे इदां वैरी आके शक्तू दे हत्थों मर रहे सन ते इधरों भाई परस राम जी नूं तीर वज्जा सी कुछ मिनट बेहोशी रही 5-4 मिनट 10 मिनट फिर होश आ गई। भाई परसराम जी नूं होश आ गई होए सावधान अब लोक जंग सावधान हो गए भाई परसराम जी ते फिर जंग विच त्यार बर त्यार होके जूझन लगे। उठ ठांड होए शस्त्र संभाल खड़े होके अपने शस्त्र फिर संभाल लए ਵੇਖ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੋ ਰਿਸ ਵਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਿਆ ਜੈ ਖਰੋ ਜਾਏ ਭੱਟ ਭੇਰ ਕੀਨ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖੜਗਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਹੁ ਦਾਵ ਲੀਨ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਤੇਗਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦਾਵ ਪੇਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੂਰੇ ਸਮੂਹ ਚਮਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਕਤ ਸਮੇਤ ਗਨ ਸਿੱਖ ਆਨ ਭਾਈ ਸ਼ਕਤੂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਬਹੁ ਚਲੇ ਖੜਗ ਕਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਖੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੋ ਕਾਟ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਗ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਗਿਰੇ ਕਟ ਕਟ ਮਹਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਨ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹਿ ਛੋਟ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਗਣ ਪਰੀ ਲੋਥ ਆਖਨ ਉਂਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਪਰੇ ਲੜਨ ਸੋ ਅਰ ਜੁਝਾਰ ਔਰ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜੂਝ ਗਏ ਹਨ ਗਣ ਤੁਰਕ ਬਿਲੋ ਕਿਉਂ ਭਾ ਨਿਕੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੰਦਨ ਬੁਲੰਦ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਹ ਪਰਸਰਾਮ ਸ਼ਕਤੂ ਜੁਝਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕੱਟ ਗਏ ਦੋਨ ਬਹੁਰੇ ਪੁੰਨ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਲੜ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਦੀ ਨੇਸੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਆਹਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਰੱਜ ਹੋਏ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਦੀ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਲੱਥ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਜੇ ਜੀਤ ਹਟੇ ਬਹੁ ਸ਼ਰਮਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਹਟ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਦਹੁ ਦਿਸ਼ਨ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰ ਮੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ ਥੱਕ ਗਏ ਮਿਟੇ ਜੰਗ ਤੇ ਸੂਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੜਨ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਥਨ ਪਰ ਲੋਥੈ ਭਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਰਦਮ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਧੂਰ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਊ ਲਹੂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ
हे गोपाल हे दयाल लाल नारनाथ ना सके दीन दर्द निवार हे सम्राट हे काम पूर्ण मोए माया तार आनकूप महाप्यान नानक पारे उतार आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो श्रद्धा कर से बारे उतारन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।